नमस्कार, मैं हूं नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर उड़ाई धज्जियां। उल्लंघन करने कांग्रेस कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। भिंड में पुलिस ने देह व्यापार का किया पर्दाफाश। मौके से 6 युवक सहित 5 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में किया गिरफ्तार। देह व्यापार के कारोबार में पटवारी भी शामिल। सियासी सरगर्मी के बीच सांसद पहुंचे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दौरा कर नेताओं से की मुलाकात। कहा जरूरी नहीं कौन कार्रवाई कर रहा, कौन नहीं, उत्खनन बंद होना चाहिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन शेड्यूल में किया बदलाव। कोविशील्ड के 2 डोज के गैप में तीसरा बदलाव। अब 84 दिनों तक नहीं करना होगा इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक फांसी लगाकर विरोध जताया। इस दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव सहित युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम मजाक बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तेल के दाम, खाने के तेल के दाम सब इतने बढ़ा दिए हैं कि आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। ये एक तरफ तो महंगाई जो डायन है उसकी मारे, और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी है वो आंसू बम है। इन दोनों के बीच में जनता और युवा पूरी तरह से पिस गया है। एक तरफ जब इनकी सरकार थी, जब हमारी सरकार थी, तब ये बोलते थे महंगाई डायन है, पर आज वही डायन इन्होंने डार्लिंग बना लिए। इनको शर्म आना चाहिए ये किस तरह से शासन कर रहे हैं, और जो आम जनता पूरी तरह से पस्त हो गई है। आज युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा यहाँ बोर्ड ऑफिस चौराहे पे ये प्रदर्शन प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा है। हम सब साथी यहाँ फांसी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी की नींद खुले और वो देखें कि किस प्रकार से देश का युवा आज ना उसके पास नौकरी है, वो ढूंढने जाए तो गाड़ी में डालाने के लिए पेट्रोल नहीं है, घर में खाने को मिट्टी का तेल नहीं है, दाल से लेके चावल से लेके हर चीज महंगाई अपनी चरम सीमा को छू चुकी है। भिंड में देह व्यापार का पर्दाफाश करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला भिंड शहर के कृष्णा होटल का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि होटल में देह व्यापार का कारोबार चलाया जा रहा है, जिसके बाद भिंड एसपी मनोज कुमार ने एक्शन लेते हुए महिला डीएसपी पूनम थापा को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। ऑर्डर आते ही महिला डीएसपी पूनम थापा टीम के साथ दबिश दी और मौके से 6 युवक सहित 5 युवतियों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा है। बताया जाता है कि इस रैकेट में एक पटवारी भी शामिल है। बहरहाल पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कृष्णा होटल जो कि बतासा बाजार में स्थित है, वहाँ पर देह व्यापार चल रहा है, तो हम लोगों ने तुरंत उसकी सूचना की, तस्दीक के बाद दबिश दी, तो वहाँ पर जाकर देखा तो 2 आदमी नीचे बैठे हुए थे। उनसे भी पूछताछ करेंगे वो कौन थे। और जो होटल है वो राधेश्याम शर्मा जी का होटल है, जैसा मुझे भी बताया लोगों ने। तो हमने कमरे बहुत सारे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है। हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फ्लोर के कमरे खोल के देखे, तो वहाँ पर कुछ युवक और युवती आपत्तिजनक अवस्था में कुछ दारू की बॉटल्स और कुछ पैकेट्स यूज़ किए हुए, कुछ गुटखा के अनाप शनाप सामान हमें वहाँ से मिला है, हमने उसे जब्त किया है। और एक औरत भी हमें वहाँ मिली है, जो कि बताया जा रहा है कि ये लड़कियाँ प्रोवाइड करवाती हैं ग्राहकों को, तो उससे हम पूछताछ करेंगे और कार्रवाई हम करने वाले हैं। सियासी सरगर्मी के बीच सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की और वहीं मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अवैध उत्खनन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौन कार्रवाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा,
यह सवाल नहीं है। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। सरकार को वैध खदानों से राजस्व मिलता है, ना कि अवैध से। इस दौरान सांसद सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के 5 जिलों को एम्बुलेंस मिले हैं, तो वहीं अशोकनगर और मुंगावली के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार कराए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड के वैक्सीनेशन शेड्यूल में बदलाव किया है। दूसरे डोज का गैप 2 बार बढ़ाने के बाद अब इसे विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए घटाया गया है। यानी कुछ कैटेगरी में 2 डोज के लिए 84 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब 28 दिन बाद भी दूसरा डोज लगवा सकते हैं। बता दें कि कोवैक्सीन के 2 डोज का गैप 28 दिन था, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन में 2 डोज का गैप 28 और 42 दिन का रखा गया था, जो कि 6 से 8 हफ्ते किया गया, फिर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है। वहीं मौसम वैज्ञानिक SN साहू ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और उत्तर दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहुंच गया है। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ ही भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद में बारिश होने के साथ ही तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। राजगढ़ में भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पेट्रोल पंप पर बढ़ती महंगाई को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान मोदी हटाओ महंगाई घटाओ के नारे भी लगाए गए। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नौटंकीबाज है, सिर्फ वोट की राजनीति करती है, जबकि भाजपा सरकार में गरीब लोग बहुत ही दुखी और मजबूर हैं। ऊपर से बढ़ती महंगाई, जब तक सरकार महंगाई नियंत्रण नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन होता रहेगा। इस सरकार के दौरान में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सुखी हो। आज पेट्रोल डीजल का भाव दिन दूने रात चोर में बढ़ रहे हैं, इससे परेशान होकर सारे लोग दुखी हैं। उनके लिए ये कांग्रेस पार्टी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस ने आज का आह्वान किया था, हम उसी के आह्वान के अंतर्गत आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी महंगाई का बोझ झेल रहा है कि जो सोयाबीन हमने 4,000 रुपये क्विंटल बेची थी, आज वही सोयाबीन बोने के लिए हमें 10,000 रुपये क्विंटल मिल रही है। ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आगे युवक कांग्रेस ने भी कई बार अभी ये जो धरना प्रदर्शन दिया था पूरे प्रदेश में, और आगे भी ये धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। लगातार 2 मई तक तेल की कीमतों में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि सरकार के सामने 5 प्रदेशों के चुनाव थे और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए वापस तेल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया गया। राजधानी भोपाल में करीब 1 घंटे तक चले आंदोलन में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री PC शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गईं, जिसको देखते हुए थाना TT नगर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, PC शर्मा सहित 30 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इन सभी लोगों को गिरफ्तारी वीडियोग्राफी के जरिए की जाएगी। इसने पिछले 7 सालों में लगभग डीजल और पेट्रोल के दामों में 80% की वृद्धि कर दी। इसके पहले जब UPA की सरकार थी, जिस तरह की नौटंकी भारतीय जनता पार्टी वाले करते थे, जबकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि UPA की सरकार में इतना डीजल पेट्रोल का भाव 10 साल के शासनकाल में नहीं बढ़ा जितना इन्होंने अभी ये 2 सालों में निरंतर वृद्धि करके, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें UPA की सरकार की तुलना में आज बहुत कम हुई। देखो, उसका फायदा जनता को न देकर जिस तरह से मोदी सरकार ने आम जनता पर यह भार डाला है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, आज आम जन का जो देश को आजाद हुए 72 साल गुजर चुके हैं और इस बदलते दौर में PM मोदी इंडिया को डिजिटल बनाने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन जब धरातल पर पड़ताल की जाती है तो कुछ और ही निकलकर सामने आती है। ऐसा ही कुछ बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक के ग्राम
पाल नगा में देखने को मिला, जहां आज भी लोग प्रशासन की सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि 5 साल पहले बिजली के पोल लगाए गए थे, जो आज भी जैसे के तैसे खड़े हुए हैं। कई अधिकारी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब हालात ये हैं कि महिलाएं हाथों से आटा पीसने को मजबूर हैं, तो वहीं पानी पीने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। 75-70 साल पहले हमारा ये बाबा जी, क्या नाम है आपका, जोर से बोलना। हमारा बाबूलाल ढिकारे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम पालेगांव, ग्राम पालेगा रहता सर। अच्छा, यहाँ बिजली की समस्या क्या है? बिजली तो हमको 70 साल के ऊपर से इधर एक भी बिजली नहीं है हमको। हमारा बच्चे कैसा अंदर 75-70 साल का अंदर का। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? हमारा बच्चा जो दिवा से पढ़ाएंगा वो उतना ही कर रहा, दिवा पढ़ाएंगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चा खलता ढूल। शिकायत किया है अभी, जाइए ला लो कागज सब ला दे, बता देंगे आपको। वो कागज हमारा जो प्रूफ है, पावटी दायर है उसका। हाजी हाजी हमारा तो बोलता है। बिजली नहीं है आपके गांव में? नहीं है। कितने साल से नहीं है? बहुत साल हो गया, पहले से ही नहीं है। अच्छा, तो क्या इसके लिए सरकार को आपने कलेक्टर इलेक्टर को कहीं नहीं बताया? बताया लेकिन नहीं आया। पहले हमारा ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन दिया गया, और इसी सिलसिले में सिवनी में भी कांग्रेसियों के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। बता दें कि सिवनी के निजी पेट्रोल पंप पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।